हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फाइंडर। जॉब फाइंडर में आपका स्वागत है। और देखिए, आज का सेशन है हमारा हरियाणा पुलिस के लिए, और जो हमारी क्लास है वो रहेगी हमारी कंप्यूटर की। ठीक है, ये इसका पार्ट 6 है। अगर आपने पुराने पार्ट नहीं देखे तो उनको भी जाकर जरूर देख लेना। और देखिए, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल तो आप सब्सक्राइब करेंगे ही, साथ में देखिए बेल आइकन का बटन भी दबा देना, और अगर वीडियो को लाइक करेंगे तो वो मेरे लिए और भी अच्छी बात होगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और किसी भी गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी अपडेट के लिए आप sarkarikhind.com पर विजिट कर सकते हैं, और ये इनका व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर कॉन्टैक्ट करके आप जो है सभी जो है जानकारी अपने फोन पर भी ले सकते हैं। और देखिएगा कि हमारे जो है 50 क्वेश्चन पिछले पार्ट में कवर हो चुके थे, इसलिए जो है आपने पिछड़ाना पार्ट नहीं देखा तो उसको जरूर देख लेना। आज हम करेंगे 51 से स्टार्ट। तो देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है MICR में सी का पूरा नाम क्या है, ठीक है, यानी कि पूर्ण रूप क्या है, और ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर गिवन है। और देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, करेक्टर। ठीक है, करेक्टर जो है सी का पूरा नाम है इसमें। अब देखिए, MICR क्या होता है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है। और देखिए, प्रिंटर की बात करें तो ये आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, किसी विशेष कार्य को करने के लिए कौन सी कुंजी दूसरी कुंजी के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, तीन प्रकार की कुंजियां होती हैं किसी विशेष कार्य को करने के लिए, बट इसमें जो कुंजी दे रखी है तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, कंट्रोल। ठीक है, जैसे आपको पता है कि कंट्रोल प्लस अगर हम कुछ दबाएंगे, सी दबाएंगे तो कॉपी हो जाएगा, वी दबाएंगे कंट्रोल के साथ तो पेस्ट हो जाएगा, ए दबाएंगे तो सेलेक्ट ऑल हो जाएगा, इस टाइप से होता है। ऐसी हमारा आल्ट भी होता है, ठीक है, और ऐसी हमारा जो है एक शिफ्ट जो होता है वो भी हमारा स्पेशल कुंजी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक प्रकार के सस्ते कैमरे होते हैं जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं, और उनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग और लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए किया जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो उनको हम क्या बोलते हैं, सिंपल सी बात है, वेब कैम बोलते हैं उनको हम। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा, 55 OCR का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, ऑप्शन जो है आपके सामने गिवन है, और फुल फॉर्म से क्वेश्चन देखिए, 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट है, ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में कौन सी डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 56 क्वेश्चन, राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन बी। ठीक है, पॉइंटिंग के डिवाइस के रूप में हम माउस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जॉयस्टिक्स किसके लिए यूज़ करते हैं हम, गेम वगैरह खेलने के लिए। कीबोर्ड तो आपको पता है किसके लिए यूज़ करते हैं हम, टाइपिंग वगैरह के लिए, न्यूमेरिकल के लिए। देखिए, ट्रैक बॉल भी जो है इसका कई हद तक सही हो सकता है, बट अगर हमको पहले माउस दिया हुआ है तो हम माउस को प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि ट्रैक बॉल भी है एक माउस की तरह ही वर्क करता है। 57th क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, और राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, टच स्क्रीन। टच स्क्रीन जो है वो एक इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है, प्लॉटर भी आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर और मॉनिटर ये सभी आउटपुट डिवाइस के उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हमारा माउस डैश सामान्यतः बाण या एरो के आकार में दिखाई देता है, यानी कि आपने देखोगे अगर आप कोई फंक्शन पे माउस लेके जाएंगे तो वहां पर एरो का निशान आ जाता है, तो बोल रहा है कि उसके उसको हम क्या बोलते हैं एक तरह से। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, 58 का डी, उसको हम बोलते हैं पॉइंटर, उस पॉइंट को हम पॉइंटर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस उपकरण है। व्यक्तिगत कंप्यूटर यानी कि पर्सनल कंप्यूटर पीसी की बात कर रहा है, सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस उपकरण कौन सा है, तो कौन सा होगा इनमें। देखिए, राइट आंसर क्या होगा, इसमें तो फ्लॉपी डिस्क ही दे रखा है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, फ्लॉपी डिस्क ही रहेगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर्स के लिए निम्न में से कौन से डिजिटल इनपुट डिवाइसेस उपकरण है। ठीक है, यानी कि इनपुट डिवाइस बताना है जो कि डिजिटल इनपुट डिवाइस हैं, और देखिए ये सभी के सभी जो है डिजिटल इनपुट डिवाइस हैं। स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है। ठीक है, देखिए स्कैनर आउटपुट डिवाइस नहीं है, कुछ लोग स्कैनर को आउटपुट डिवाइस बोल देते हैं, आउटपुट डिवाइस में प्रिंटर आता है। ठीक है, माइक्रोफोन भी इनपुट डिवाइस है, और देखिए और स्पीकर जो है वो आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, डिजिटल कर्मोगेटर भी इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विक्रेता क्लर्क यानी चेक आउट काउंटर पर किसी चीज का टैग स्कैन कर रहा है, बजाय इसके कि सिस्टम में कींग करना वह डैश का प्रयोग कर रहा है। ओके, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ गए होंगे, और राइट आंसर क्या होगा इसका हमारा,
ऑप्शन डी रहेगा, ठीक है, सोर्स डाटा ऑटोमेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन करेक्टर को इरेज कर देगी, ठीक है, यानी कि इसको डिलीट कर देगी, उसको हम क्या बोलेंगे? सिंपल सी बात है, डिलीट कुंजी हम उसको बोलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए, देखिए इंग्लिश में अगर कंप्यूटर पढ़ रहे हैं आपको, इंग्लिश अगर आपकी अच्छी है तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से हिंदी के अलावा, क्योंकि हिंदी में थोड़ी सी लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो सकती है कंप्यूटर्स में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए प्रायः किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिंपल सी बात है, जो माउस होता है उसका ही हम प्रयोग करते हैं किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करने के लिए। हम कीबोर्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं, बट उसके लिए भी पहले हमको माउस जो है उस जगह रखना पड़ेगा, इस चीज़ को सेलेक्ट करना है, फिर हम माउस को अगर यहाँ तक ले जाएंगे तो उससे हम जो है सेलेक्ट कर सकते हैं इतना हिस्सा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ई माउस रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। श्री एक्स के पास अपनी रिपोर्ट को प्रिंट करने के लिए कोई प्रिंटर नहीं है, वह इसे श्री वाई के कंप्यूटर में ले जाना चाहता है, क्योंकि श्री वाई के पास प्रिंटर है, तो एक्स अपनी रिपोर्ट कहाँ सेव कर सकता है? ओके, तो कहाँ सेव करेगा? ऑप्शन ई फ्लॉपी डिस्क में जो है अपनी रिपोर्ट सेव करेगा, फिर वह वाई के पास लेके जा सकता है और आराम से प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 65 है, डाटा इनपुट करने के लिए बार बार प्रयोग में आने वाले हार्डवेयर का भाग क्या कहलाता है? तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए कीबोर्ड, ठीक है। कीबोर्ड ही तो होता है जिसमें बहुत सारे बटन होते हैं और इसी के जरिए हम डाटा इनपुट करते हैं, और सबसे ज़्यादा प्रयोग में जो है वो कीबोर्ड ही लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 66, डैश को स्क्रीन या मॉनिटर भी कह सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया, लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी आपको। ऑप्शन ई डिस्प्ले, जो डिस्प्ले होती है उसी को हम स्क्रीन भी बोलते हैं और डिस्प्ले को ही हम मॉनिटर भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ट्रैक बॉल डैश का एक उदाहरण है। अभी मैंने आपको बताया था अगर माउस उसकी जगह नहीं है तो हम ट्रैक बॉल का यूज़ करेंगे, और अगर माउस दे रखा है तो हम ट्रैक बॉल का यूज़ नहीं करेंगे, यानी कि ट्रैक बॉल भी क्या है? एक पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है, और माउस भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फॉर्मेशन इनपुट करने के लिए आप माउस जैसे डैश का यूज़ करते हैं। और देखिए ये भी क्वेश्चन वैसे ही हो गया, हम किसका यूज़ करेंगे? ऑप्शन बी इनपुट डिवाइस का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 69, माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से क्या दिखाई देगा? अब देखिए आपके सामने मान लीजिए ये माउस है, ये आपके पास दो बटन हैं, ठीक है। अगर आप दाएं पर क्लिक करें, यानी कि आप इस साइड अगर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर क्या दिखाई देगा? ऑप्शन बी एक विशेष प्रकार की आपके सामने मेन्यू खुल जाएगी अलग सी, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर करेंगे क्लिक जो है लेफ्ट साइड, तो यहाँ पर आपका ओके होता है, ये ओके का बटन होता है, और राइट साइड क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नई मेन्यू खुल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 70, एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, यानी कि इसमें से एक इनपुट डिवाइस बताना है वो कौन सा है? तो प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, सीपीयू क्या है? आउटपुट डिवाइस है, स्कैनर हमारा क्या है? इनपुट डिवाइस है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 70 का। नेक्स्ट देखिएगा 71 क्वेश्चन, कंट्रोल व शिफ्ट किस प्रकार की कुंजियां हैं? और ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक हो गया कंट्रोल शिफ्ट, साथ में आप ऑल्ट को भी लगा लीजिए, ठीक है। ये किस प्रकार की कुंजियां होती है जिनके साथ हम कुछ प्लस करके, जैसे कंट्रोल के साथ हम वी करेंगे तो पेस्ट बन जाएगा, इस टाइप की जो कुंजियां होती है इनको स्पेसिफिक नाम क्या दिया गया है? ऑप्शन सी मॉडिफायर कीज इनको बोलते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस तरह के वर्ग में कीबोर्ड शामिल होगा, यानी कि जो कीबोर्ड है उसको हम किस तरह के वर्ग में शामिल करेंगे? तो सिंपल सी बात है, कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस है, तो हम इसको इनपुट डिवाइस में ही शामिल करेंगे, ओके। 73 क्वेश्चन है, आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करके आप डैश कर सकते हैं। आप देखिए आउटपुट डिवाइस में आप क्या कर सकते हैं, मॉनिटर को ले लीजिए पहले, तो हम जो है डाटा को व्यू कर सकते हैं, यानी कि मॉनिटर हम किसी भी डाटा को देख सकते हैं, और दूसरा यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है प्रिंट, ठीक है, तो प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस होता है, तो हम प्रिंट भी कर सकते हैं। 73 का जो हमारा ऑप्शन डी है वो बिल्कुल ही करेक्ट रहेगा, ओके। 74 देखिएगा, कंप्यूटर के लिए ग्राफिकल इमेज और पिक्चर निम्न में से कौन डाल सकता है? अब देखिए ये भी सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया आपने, अगर लैंग्वेज समझ ली होगी तो देखिए कंप्यूटर के अंदर अगर आप कोई भी ग्राफिकल इमेज या पिक्चर डालेंगे तो आप कैसे करेंगे? उसको स्कैन करेंगे, ठीक है, यानी कि स्कैनर से जो है हम ग्राफिकल इमेज और पिक्चर उसके अंदर डाल सकते हैं। नेक्स्ट है, कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक करैक्टर को डिलीट करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? अगर आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो ये क्वेश्चन आपका सपने में भी गलत नहीं होगा, ठीक है। अब मान लीजिए आपका जो है
माउस यहाँ पे रखा है और आपको इस जा को डिलीट करना है, तो आप कौन से बटन का यूज़ करेंगे? यहाँ पर ऊपर एक बैक स्पेस का बटन होता है, कीबोर्ड हमारे पास ये है तो यहाँ पर बैक स्पेस का बटन होता है जिसको हम दबाते हैं और ये हिस्सा हमारा डिलीट होता रहता है इधर इधर का। तो ऑप्शन ए हमारा बैक स्पेस बिल्कुल ही करेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 76, किन कुंजियों से नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं? अब नंबर टाइप करने की बात कर रहा है तो हमारा ऑप्शन सी न्यूमेरिकल कीपैड बिल्कुल ही राइट रहेगा। न्यूमेरिकल कीपैड में ये हम नंबर सबसे फास्टली टाइप कर सकते हैं। ठीक है, 77 है हमारा, डैश का प्रयोग हाथ से लिखे या मुद्रित टेक्स्ट को डिजिटल इमेज बनाने के लिए किया जाता है जिसे मेमोरी में स्टोर किया जाता है। ठीक है, 77 और ऑप्शन सी क्या होगा, स्कैनर ही हमारा बिल्कुल ही राइट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 78, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है ये कि मॉनिटर का जो डिस्प्ले आकार है उसको हम कैसे माप सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन ई रहेगा, डायगनॉली। ठीक है, डायगनॉली जो ऑप्शन ई है हमारा, ये हमारा बिल्कुल ही राइट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 79, मॉनिटर का रेजोल्यूशन जितना अधिक हो, डैश, ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर गिवन है, और क्या होगा, जितना रेजोल्यूशन अधिक होगा उतने ही उसके पिक्सल बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, यानी कि उतने ही उसके पिक्सल अधिक हो जाएंगे। 80 क्वेश्चन देखिएगा और आपका आज का लास्ट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सी है? पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस, अब आप समझ गए होंगे कि पॉइंटिंग अगर कहीं भी डिवाइस की बात करें तो या तो वो ट्रैक बॉल की बात करेगा या तो वो माउस की बात करेगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा हम प्रयोग में क्या लाएंगे, आपको पता लग गया होगा, ऑप्शन डी माउस। ठीक है, अगर माउस ऑप्शन में नहीं होता तो हम ट्रैक बॉल को प्रेफर करते, पर हमारे पास माउस ऑप्शन में है तो हम माउस को प्रेफर करेंगे। तो गाइस यही था आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू गाइस फॉलो एंड सपोर्ट, और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको सभी मिल जाएंगे। थैंक यू गाइस।